नमस्कार, मैं कविता ठाकुर स्वागत करती हूँ लाइव 100 न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के माननीय श्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के बाद भी प्रधान जी उड़ाने में व्यस्त है। धरतियान दलदल के बीच में रहने पर मजबूर है गांव, जो सरकार सिर्फ रोज का दिन दौरा पीटती है उसी के शासनकाल में यह हाल है। बहराइच जिले के कमलापुरी गांव का रोड आपातकालीन सेवा के लिए नहीं है कोई रास्ता। समस्त पीड़ित जन एवं ग्रामीणों ने न्याय के लिए लगाई गुहार। बहराइच एसआई जिब्राइल खान की रिपोर्ट। यह मामला है ग्राम पंचायत मटेही कला के कमलापुरी का। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक जब हमारे मीडिया रिपोर्टर गांव की समस्याओं को देखने के लिए पहुंचे तो काफी अनियमितता देखने को मिली। निवासी कमलापुरी के श्री लाल बहादुर चौहान ने बताया, हम समस्त ग्रामीण लगभग 15 वर्षों ऐसे ही इस कच्ची रोड के विषय को लेकर समय समय पर प्रधानों एवं विधायक ऐसे ही कहा, परंतु अभी तक किसी भी प्रधान या विधायक ने हमारी समस्याओं को समाधान नहीं किया। अगर रात में इमरजेंसी काम पड़ जाए कि हम समस्त ग्रामीण एम्बुलेंस को यहां तक लाना चाहे तो बरसात के मौसम में नहीं ला सकते। इस विषय को हम लोगों के द्वारा कई मर्तबा लिखी भी दिया गया, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। न तो हमारे ग्राम कमलापुरी में एक भी शौचालय एवं आवास का लाभ दिया गया। सुनील कुमार ग्राम पंचायत कमलापुरी पोस्ट मटेहीला के निवासी ने बताया कि इस विषय पर हम ग्रामीण जन सूचना के द्वारा भी अवगत कराया, फिर भी हमारे यहाँ न तो किसी सड़क का निर्माण हुआ और न तो उसकी रिपेयरिंग करवाई गई। अतः श्रीमान जी को मीडिया के द्वारा अवगत कराना चाहूँगा, हम ग्रामीणों के हित में विभागीय द्वारा जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हम ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। जिब्राइल खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। किस ग्राम सभा की निवासी? मटेही कला। ये कौन सा गांव है? कमलापुरी। क्या समस्या है? समस्या यहाँ के रोड की बहुत खराब है। यहाँ जो है कि रात बरसात में रात बिरात आदमी का अगर तबीयत सीरियस हो जाए तो यहाँ न एम्बुलेंस पहुँचने वाला है और न कोई साधन पहुँचने वाला है। रोड के संबंधित हम लोग जो है कि दो तीन प्रधानी से हर प्रधान को हमने खबर दिए और सूचना दिए, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी नानू प्रसाद। तो प्रधान जी को आपने अवगत कराया तो प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने कहे जो नहीं, जब हमारे पास जो है कि बजट नहीं है और जो है कि जब बजट आएगा तो देखेंगे और देखते देखते तीसरी प्रधानी जा रही। इस विषय पे चर्चा करते हुए प्रधान जी से आपको कितनी बार, मतलब कितनी बार कहें आपने? इसको कई बार हमने मीटिंग में भी उठाला और जो है कि जो प्रधान जी से और सेक्रेटरी से कम से कम 3-4 बार हो गया। क्या नाम है सेक्रेटरी के आपके ग्राम सभा के? शाहनवाज। शाहनवाज सेक्रेटरी कौन है? था उस समय शाहनवाज जी थे। शाहनवाज जी, आपने इसके संबंधित कहीं जन सूचना द्वारा या लिखित द्वारा किसी को सूचना अवगत कराया? हम जो ऑनलाइन किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील कुमार। किस ग्राम सभा के निवासी है? ग्राम कला। आपने जो इस रोड के संबंधित किसी को सूचना या लिखित द्वारा किस द्वारा आपने किस किस को सूचना दिया हूँ? जी प्रधान जी को भी दिया हूँ जी, मगर प्रधान जी इसका कोई उपाय नहीं था, कोई निराकरण प्रधान जी ने नहीं किया। नहीं। क्या नाम है प्रधान जी के आपके? नानू प्रसाद। प्रधान जी से जो आपने अवगत कराया इसके बारे में तो प्रधान जी ने क्या कहा? कह रहे हैं इस पे बजट नहीं आ रहा। अच्छा, इस पे बजट नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज।